तो जो आपके मिरर होते हैं, ठीक है, इसका एक मिरर फॉर्मूला होता है. व्हाट इज मिरर फॉर्मूला? मिरर फॉर्मूला एक तरह का रिलेशन है किस किस का, फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस एंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का. इन तीनों के रिलेशन से जो फॉर्मूला बनता है वो ये है, ठीक है. वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन यू. इसमें जो एफ होता है वो क्या होता है, आपका फोकल लेंथ. जो वी है वो है आपका इमेज डिस्टेंस. और जो यू है वो है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. इसको नोट कर लो सब. एफ इज इक्वल टू फोकल लेंथ, बी इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, यू इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. और ये कॉमन फॉर्मूला है कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों के केस के लिए, ठीक है. हो गया. तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप अगर किसी क्वेश्चन में इमेज डिस्टेंस या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है और आपसे फोकल लेंथ पूछा है तो आप फोकल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है. इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कि मिरर से इमेज कितनी दूरी पे बनेगी, ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे रखा गया है, ठीक है. तो इन्हीं सब पॉइंट्स को देखकर आप फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हो. इसके बाद अब न्यूमेरिकल करने से पहले आपको कुछ साइन कन्वेंशन पता होने चाहिए, ठीक है. साइन कन्वेंशन क्या होते हैं? जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर है उसमें हमें किसको नेगेटिव डिस्टेंस लेना है, किसको पॉजिटिव डिस्टेंस लेना है, ठीक है. तो उसके लिए आपको ये डायग्राम समझना पड़ेगा. एक कॉनकेव भी हो सकता है, कॉन्वेक्स भी हो सकता है, ठीक है. तो सबसे पहले मिरर, ये आपके प्रिंसिपल एक्सिस होती है, ठीक है. तो साइन कन्वेंशंस, साइन कन्वेंशन में देखो, जैसे ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस. तो फर्स्ट रूल साइन कन्वेंशन में क्या कहता है, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर. जो आपको ऑब्जेक्ट है हमेशा मिरर के सामने रखना होगा, लेफ्ट साइड पे. ये लेफ्ट साइड होगी, ठीक है, और ये राइट साइड होगी. ये मिरर यहाँ पे बीच में, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, आपको हमेशा ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, लेफ्ट साइड पे, ओके. सेकेंड पॉइंट जो है, ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर. पोल कहाँ होता है, यहाँ पे होता है पोल, ठीक है. तो यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे, सपोज कि 15 सेंटीमीटर की दूरी पे आपका ऑब्जेक्ट प्लेस है, तो आप कहाँ से मेजर करोगे, पोल से, ठीक है, कि पोल से इतनी दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है या इतनी दूरी पे इमेज बनेगी. सर स्क्रीन इज नॉट विजिबल,
किस किस को नहीं विजिबल हो रही? जानवी को विजिबल है। ओके चलो, नहीं फोन चेक करो आप। हाँ जानवी बना सकते हो, लेकिन पहले समझ लो, पॉइंट समझना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया, ऑब्जेक्ट को हमें आपको कहाँ रखना है? लेफ्ट साइड पे। सेकेंड, सलोनी तुम लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन करो। इसके बाद सेकेंड पार्ट मैंने बताया कि आपको जो डिस्टेंस है कहाँ से मेजर करना है, पोल से। ठीक है, ओके थर्ड पॉइंट क्या है कि आपका जो भी लाइट इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में जाएगी तो आप उसको क्या लोगे? पॉजिटिव। इसको ऐसे समझ लो, अगर कोई भी लाइट लेफ्ट टू राइट जा रही है, ठीक है, क्रॉस करते हुए, ठीक है, अगर यहाँ पे कोई इमेज बनती है तो आप उसको क्या लोगे? पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ पे अगर कोई भी लाइट इंसिडेंट लाइट की अगेंस्ट जाती है, ठीक है, अगेंस्ट इंसिडेंट लाइट, अभी आप डायग्राम, सॉरी अभी आप न्यूमेरिकल करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये मैं वर्ड्स क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर इंसिडेंट लाइट के अगेंस्ट होगी, ठीक है, कोई भी लाइट, तो आप उसको क्या लोगे? नेगेटिव। तो ये कह सकते हो जो लेफ्ट साइड है मीन्स रियल और इन्वर्टेड। ठीक है, ये आपको हमेशा क्या लेना है? नेगेटिव। अगर आपकी इमेज रियल है तो आप लोगे नेगेटिव, और अगर आपकी इमेज वर्चुअल और इरेक्ट है तब आप क्या करोगे? उसको आपको पॉजिटिव लेना है। ठीक है, एक और, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के, अब एक होता है हाइट, हाइट भी हम मेजर कर सकते हैं न्यूमेरिकल के हेल्प से किसी भी ऑब्जेक्ट की या इमेज की। तो आप देखो, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, ठीक है, तो उस केस में आप हाइट क्या लोगे? पॉजिटिव। ठीक है, और अगर इमेज उल्टी बनी है तब आपको क्या लेना है? एच नेगेटिव। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स थे, ये आपको पता होने चाहिए। अब यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम यू, अब आप बताओगे कि यू नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, बताओ। यू मीन्स क्या होता है बताओ? अभी आपने पढ़ा था मिरर फॉर्मूला में, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। ठीक है, अब चेक करो कि ऑब्जेक्ट को आप लेफ्ट साइड पे रखोगे या राइट साइड पे, बताओ। लेफ्ट यस, ऑब्जेक्ट आपका लेफ्ट साइड पे रहेगा, तो मैंने बताया था जो भी लेफ्ट पे होगा डेट मीन्स वो क्या होगा? नेगेटिव और पॉजिटिव। देखो, ऑब्जेक्ट यहाँ पे होता है तो ये हमेशा क्या होगा? नेगेटिव। तो यू इज ऑलवेज नेगेटिव, तो ऑलवेज नेगेटिव। इसको नोट, इनको नोट करते रहना, ठीक है, पॉइंट्स को। इसके बाद आपका इमेज, ये ऑब्जेक्ट था, अब वी, वी मीन्स इमेज डिस्टेंस। इमेज अभी, अब मैंने आपको बताया कि अगर आपकी इमेज रियल और इन्वर्टेड बनेगी क्वेश्चन में, मतलब ऐसे गिवन होता है रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है, ठीक है, और अगर वर्चुअल इमेज है और इरेक्ट, तो अगर आपका वी रियल और इन्वर्टेड है मीन्स नेगेटिव है, ठीक
ठीक है, रियल और इन्वर्टेड लेफ्ट साइड पे बनता है मिरर के इस साइड में, ठीक है, फ्रंट में नेगेटिव और मिरर के बैक में पॉजिटिव, तो रियल और इन्वर्टेड नेगेटिव होगा, और वर्चुअल और इरेक्ट पॉजिटिव। यस, क्योंकि मिरर के बैक साइड में। और थर्ड क्या है, फोकल लेंथ, जो आपने अभी मिरर फॉर्मूला में पढ़ा, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में जो फोकल फोकस पॉइंट होता है वो अलग अलग जगह होता है। कॉनकेव के केस में वो फ्रंट में होता है मिरर में, लेकिन कॉन्वेक्स के केस में वो मिरर के बैक साइड में होता है। तो अब मुझे बताओ कि फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर के केस में क्या होगा और कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होगा। क्या होगा से मतलब है नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। सर आप मैं सभी, आइडल हाँ जी बताओ। सर कॉनकेव में नेगेटिव होगा एंड इन कॉन्वेक्स इट विल बी पॉजिटिव। यस, फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर के, अगर क्वेश्चन कॉनकेव मिरर के ऊपर है तब उस केस में जो भी आपको फोकल लेंथ दी जाएगी, मतलब 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, तो आप उस वैल्यू को क्या कर दोगे, नेगेटिव करोगे। लेकिन अगर आपका कॉन्वेक्स मिरर होगा तो आप उसको पॉजिटिव रहने दोगे। ठीक है, सबको ये रूल्स क्लियर हैं इतने, यू वी और एफ के लिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के लिए। सभी ने नोट कर लिए या कर रहे हो? सर प्लीज हाइट और अमाउंट दोबारा रिपीट कर दो। हाइट वाला पॉइंट ये है कि प्रिंसिपल एक्सिस से अगर ऊपर हाइट है, मतलब अपवर्ड आप मेजर कर रहे हो ऊपर की ओर, तो हाइट आप पॉजिटिव लोगे, और अगर डाउनवर्ड मेजर कर रहे हो मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, तो नेगेटिव लोगे। समझ आ जाएगा अभी न्यूमेरिकल करोगे। सर हैव यू शेयर्ड द स्क्रीन और नॉट? हेलो, नहीं मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है, आपको अभी भी विजिबल नहीं है? ठीक सर एक बार तो आ गई थी लेकिन अब नहीं आ रही। सर, बताओ फिर क्या करें, क्योंकि सबको विजिबल है। सबने नोट कर लिया ना? ठीक यस सर। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का, ठीक है, इसको भी नोट कर लो। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन मीन्स क्या होता है कि ऑब्जेक्ट के साइज से जो इमेज का साइज है वो कितना रिलेटिवली बड़ा है, क्या वो छोटी इमेज बनी है या बड़ी इमेज बनी है, उसको आप क्या बोलोगे, मैग्निफिकेशन।
कि मिरर जो है वो कितना मैग्निफाई कर रहा है आपके ऑब्जेक्ट को, ठीक है? तो इसको हमेशा हम रेशियो में लिखते हैं, ठीक है? कैसे? m इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. सो m इज इक्वल टू h2 अपॉन में h1, h2 अपॉन में h1. यहाँ पे h2 क्या है आपका? हाइट ऑफ द इमेज. और h1 क्या है आपका? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है? इसको नोट कर लो. और H2 अगर नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव है तो आपकी इमेज कैसी होगी? रियल और इन्वर्टेड. और अगर H2 पॉजिटिव है वर्चुअल एंड इरेक्ट. यस, वर्चुअल और इरेक्ट इमेजेस के लिए. और ऑब्जेक्ट क्या होगा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगी? नेगेटिव या पॉजिटिव? आप लोग बताओ. ऑलवेज नेगेटिव. ऑलवेज नेगेटिव हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. सर पॉजिटिव. यहां से समझो, ये आपका मिरर है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है. ऑब्जेक्ट को हमेशा कहाँ रखते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर. और मैंने क्या बताया था कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर आप हाइट मतलब साइज नाप रहे, हाइट में आप साइज को कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है? तो जब आप हाइट देखोगे तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है ऑब्जेक्ट, तो इसलिए इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है? ऑब्जेक्ट को कभी हम ऐसे नहीं रखते नीचे की ओर. इसके अलावा ये मैंने तीन पॉइंट बताया आपको, कब कब कहाँ आपको नेगेटिव और पॉजिटिव लेना है. इसके बाद मैग्निफिकेशन. अगर मैग्निफिकेशन आपका नेगेटिव है तो इमेज आपकी क्या होगी? रियल. समटाइम क्वेश्चन बहुत अलग अलग तरीके से पूछा जाता है. और पॉजिटिव है तो वर्चुअल और इरेक्ट. आई होप सबको याद भी हो गया होगा कि एम नेगेटिव मतलब रियल एंड इन्वर्टेड, पॉजिटिव मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट. ये नोट कर लो और मुझे बताओ हो गया. एक बस लास्ट और फॉर्मूला ये वाला लिख लो. एक फॉर्मूला ये भी होता है अलग से, H2 अपॉन में H1 is equal to minus B upon में U. कि suppose किसी question में आपको image distance दिया हो, object distance दिया हो, height of the object दी हो, और आपसे direct पूछा गया हो height of image बताओ, तब आप ये use करो. अगर किसी question में आपको image दी magnification दिया है और आपसे height पूछिए, तब आपको ये use करना है, okay? तो बस आपने तीन फॉर्मूले देखे हैं अभी.
yes bina x minus b upon by u. बताओ सभी ने कर लिया या नहीं? यस और नो? ओनली वाग्मी का यस आया, सभी खाली बैठे हो? ओके अब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं. कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको विजिबल हो यस सर विजिबल ओके फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपका फाइंड द रेडियस ऑफ द कर्वेचर. आपको रेडियस निकालनी है जब कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ है कितनी है 25 सेंटीमीटर. बताओ व्हाट्स द आंसर. सलोनी रेडियस एंड द फोकल लेंथ बोथ आर मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस. आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हो एंड डिस्टेंस एज ऑलवेज एसआई यूनिट ऑफ मीटर सेंटीमीटर इसी फॉर्म में आप दे सकते. नहीं डायरेक्ट आंसर बता दो जान लीजिए. कि यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इमेज भी डिस्टेंस है, फोकल लेंथ है, तो तीनों आप मीटर में ही
या सेंटीमीटर जो भी क्वेश्चन में गिवन है उसी में आपको आंसर देना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेडियस ऑफ द कर्वेचर हुज फोकल लेंथ इज 25 सेंटीमीटर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर है. तो आपने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस की हाफ होती है, ठीक है. तो इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से आप क्या निकाल सकते हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर या फोकल लेंथ. आर से रेडियस, एफ से फोकल. तो बताओ फर्स्ट वाले का आंसर क्या है. ओके ठीक है. वाग्मी का करेक्ट है, जानवी का करेक्ट है, सलोनी का करेक्ट है, कार्तिक का भी करेक्ट हो गया. और किसने नहीं दिया, विनायक ने और अक्षय जैन का भी करेक्ट है. रेडियस निकालना है फर्स्ट क्वेश्चन के लिए. एफ इज इक्वल टू आर बाय टू एंड एफ आपका 25 सेंटीमीटर गिवन है, आर अपॉन में टू एंड इधर से R is equal to 25 into 2, तो ये कितना हो गया आपका 50 सेंटीमीटर. सेकेंड क्वेश्चन में फोकल लेंथ निकाल लेना, वो कितना है, F is equal to R by 2, तो कितना हो गया, R कितने हैं 1 और 2, तो 1 by 2, that means 0.5. और ये क्योंकि कौन सा मिरर है, 0.5 है. यस, ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर. तो जब आपने अभी साइन रूल पढ़े थे तो उसमें आपको क्या बताया गया था कि अगर कॉनकेव मिरर है तो आपको जो उसकी फोकल लेंथ है वो कौन क्या लेनी है, नेगेटिव या पॉजिटिव. नेगेटिव. यस, क्योंकि नेगेटिव. यस, तो सबको आंसर में नेगेटिव भी लगाना है. सबको समझ आया. तो ये जो साइन है ये आपको खुद से पुट करने हैं, ये आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन होंगे. और ये आप तभी साइन कन्वेंशन कर पाओगे जब आपको याद होगा, ठीक है. कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि लेफ्ट वाला डेट इज मतलब रियल और इन्वर्टेड वाला हमेशा नेगेटिव और राइट साइड पे जो है वो वर्चुअल और इरेक्ट है वो सब पॉजिटिव. थोड़ा तो ये दो क्वेश्चन ठीक है. तो माइनस 0.5 इज द फाइनल आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज. एक ऑब्जेक्ट है जिसका 4 सेंटीमीटर है इन साइज, इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर. फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर. फाइंड द पोजीशन नेचर एंड हाइट ऑफ इमेज. तो एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज 4 सेंटीमीटर है और उसको कॉनकेव मिरर के फ्रंट से 25 सेंटीमीटर पे रखा गया है जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है.
फाइंड द पोजीशन, आपको इमेज की पोजीशन बतानी है, नेचर बताना है, मतलब वो रियल और इन्वर्टेड है या वर्चुअल या इरेक्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सॉल्यूशन में गिवन लिखना है कि आपको क्या क्या गिवन है, जैसे ऑब्जेक्ट सबसे पहले ऑब्जेक्ट का साइज गिवन है, ऑब्जेक्ट का साइज मतलब हाइट, तो H1 गिवन है आपको 4 सेंटीमीटर। देन आप देखो इस प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर, मतलब एक कॉनकेव मिरर है उससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सो U इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, अब देन इसके बाद गिवन जब हम कर देख लेते हैं, उसके बाद हमें साइन कन्वेंशन करना होता है। तो H1 तो हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव रहती है। U बताओ, U नेगेटिव का होगा पॉजिटिव का होगा? नेगेटिव सर, नेगेटिव, यस नेगेटिव। एंड F? नेगेटिव, F क्योंकि लेफ्ट साइड पे होता है कॉनकेव मिरर का, इसलिए नेगेटिव। अब आप फॉर्मूला यूज करो, जो भी यूज करो, इसको करके भेज देना नितिन सर के नंबर पे। मुझे पोजीशन बताओ, पोजीशन मतलब V, V बताना है आपको पोजीशन से। हाइट ऑफ इमेज मतलब H2, तो आपको आपके पास फॉर्मूला है, देखो किस फॉर्मूले के हेल्प से आप ये सब कैलकुलेट कर सकते हो। It's just a simple math.
हाँ भी मैं चेक करूँगा सभी। अक्षर जैन, एच टू भी निकालना है। जानवी करेक्ट है आपका। सर मेरा 1/b इज इक्वल टू माइनस, चेक योर एलसीएम। वन अपॉन बी इज इक्वल टू, ये माइनस का प्लस माइनस माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा फिर इस साइड जाके ये दोबारा से प्लस हो जाएगा। वन अपॉन में 25 माइनस ये होगा वन अपॉन में बी इज इक्वल टू, जो भी जिस तरह से आप जिस मेथड से करते हो उस मेथड से, सॉरी माइनस 25 इंटू 15। रेसिप्रोकल करोगे तो b इज इक्वल टू, मतलब ये 1/b में b है, इसको ऊपर ले जाओ। b को ऊपर ले जाओगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 375 अपॉन में 10, तो b इज इक्वल टू 37.5। नेगेटिव प्लस का ये चेक कर लेना जानवी, वैसे अपनी कैलकुलेशन ठीक करी है बट आई डोंट नो तुमने बी को माइनस क्यों करा है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर, जो हमें मैग्निफिकेशन निकालना होगा तो इसमें प्रॉपरली लिखा होगा फाइंड द मैग्निफिकेशन। हाँ जी ओके सर। और इसके बाद आपको H2 निकालना था, जिसके लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो H2 अपॉन में H1 इज इक्वल टू माइनस V अपॉन में U।
एच टू आपको निकालना है, एच वन आपका गिवन है कितना 4, बी अभी आपने निकाला ही है 37.5 एंड यू आपका कितना आया है -25, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया एंड एच टू इज इक्वल टू -37.5 इंटू 4 अपॉन में 25, बताओ कितना हो गया -6 सर, -6 अच्छा अपने माइनस के साइन चेक करो, सभी ने मिस्टेक की हुई है तुम लोगों ने, यहाँ पे -6 चलो ट्राई करो अभी, और इससे रिलेटेड आपको और क्वेश्चन भेजे जाएंगे, ठीक है, वो व्हाट्सएप पे भेज दिए जाएंगे, तो आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करके न्यूमेरिकल्स को सेम ऐसे ही होंगे, ठीक है, कोई चेंजिंग नहीं होगी, ज़्यादा से ज़्यादा एक एक्स्ट्रा हो जाता है कि उसमें रे डायग्राम भी ड्रॉ करना पड़ जाता है, तो वो वाला भी हम देख लेंगे। तो बाकी अभी पहले आप सिंपल न्यूमेरिकल सॉल्व करना जो मैं आपको क्वेश्चन सेंड करूँगा, देन फिर हम आगे बढ़ते। ओके बाय टू ऑल, ये लोग आउट होने वाला है, बाय सर, बाय बाय, बाय सर। गुड इवनिंग।